लंबाई लगे पर नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक द कृष्णा बसुमतारी चैनल। हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी। प्याज पोटेटो ग्रीन चिल्ली लहसुन चिकन ले लिया हम लोगों ने। करा गरम हो गया तेल से। अभी हम डालने जा रहे हैं जीरा। जीरा को अच्छे से पकाया। गार्लिक और चिली पेस्ट करके रखा था तो डाल दिया, अच्छे से पकाया। अच्छे अच्छे से पकने के बाद उसमें प्याज डालिया। प्याज को भी अच्छे से हम बनाने जा रहे हैं चिकन विथ पोटैटो करी। ये बोडो स्टाइल में बनेगा। अभी हम लोग ने ग्रीन चिल्ली डाल दिया, हल्दी डाल दिया 1/2 चम्मच, गरम मसाला भी डाल दिया, चिल्ली पाउडर डाल दिया चम्मच, चिकन मसाला डाल दिया 2 चम्मच, जीरा पाउडर भी डाल दिया साथ में। तो इस मसाला को हम लोग अच्छे से फ्राई करेगा। साथ में मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया। मैंने 2 चम्मच नमक इसमें डाल दिया ताकि मैं ग्रेवी की है बाद में डालना, तो वो ग्रेवी के साथ मेरा मेकअप हो जाएगा, बाद में मुझे नमक डालने का जरूरत नहीं। अभी मैं चिकन का पीस डाल दिया जो पहले से रेडी करके रखा था मैंने। तो दोस्तों आप लोग ने देखा होगा मैं कैसा बना रहा हूँ, तो आप लोग भी बनाना, बहुत ही टेस्टी स्वाद बनता है वो चिकन विद पोटैटो करी। जो हमारा बॉडलिंग एरिया में बनाया जाते हैं, जो असम के अंदर एक बॉडलिंग टेरिटोरियल काउंसिल है, उसमें गौरव लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही बना के खाते हैं। ज़्यादा मसाला ज़्यादा पसंद नहीं है उधर का लोगों को, स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते। का तो खाते हैं, मिर्ची डालते हैं, बट मसाला बहुत कम यूज करते हैं वहाँ पर। तो मैं अच्छे से इसको पकने दिया, इसको मैं और घुमाऊंगा ताकि ना जल जाए अंदर। इसके साथ में पोटैटो डालेगा। मैंने पहले बताया था मैं इनको पोटैटो की चट बनाएगा स्टाइल चिकन विथ पोटैटो करी। बहुत ही जबरदस्त लाजवाब बनता है। उसके प्लीज़ हम लोग भी एक पर बना के रेट खा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। जैसे मैं वीडियो बनाया वैसे स्टेप बाई स्टेप बना के देख लिया ताकि उनका नाम जल जाए।
हो गया। स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को देख के वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अभी हम अगली नया वीडियो